चलो हिप हिप थ्री हिप 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 और कुछ चीजें जो फील्ड में काम करके पता लग रही हैं उसके ऊपर डिस्कशन करना है, और कुछ सिस्टम के बारे में भी आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग या एक दूसरे से कुछ सीखना आप स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिटी बढ़ रही है बहुत बड़े लेवल पे, ट्रस्ट बिटकॉइन अब जा रहा है तो सबको सीखना भी पड़ेगा किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। तो आज लगभग एक डेढ़ घंटे का समय हमारा इन्हीं टॉपिक्स पे रहने वाला है। सबसे पहले टॉपिक पे चर्चा करते हैं, कुछ अपडेट्स हैं जो सबको देनी है। मेरे ख्याल से जो भी लोग ज्वाइन है सब आ चुके हैं और बाकी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लोग, मीटिंग में आते रहेंगे। सबसे पहली चीज तो हमारा लकी ड्रॉ है, जिसके बारे में सबको पता है, जो भी $500 की डायरेक्ट बिजनेस कर रहे हैं, $500 का डायरेक्ट आईडी लगा रहे हैं, उन सबका लकी ड्रॉ में नाम आना है। और एक कार हम निकालने वाले हैं जिसका प्राइस लगभग 8 लाख रुपए है, 8 लाख रुपए की कार वो निकलनी है। 400 आईडी का हमने एक टारगेट लिया था कि 400 आईडी पे हम पहली गाड़ी निकालेंगे, और लगभग मार्च तक 25 से 30 गाड़ियां ये निकलने वाली हैं। पहली गाड़ी 400 आईडी पे निकलनी है, 400 आईडी में से 250 कंप्लीट हो चुकी हैं, 150 अभी पेंडिंग है, वो मेरे ख्याल से 28 तारीख तक उससे ज्यादा हो जाएंगी या वो कंप्लीट हो जाएंगी, और 28 तारीख के बाद किसी भी दिन लीडर्स को इकट्ठा करके जहां भी हम इकट्ठा हो पाएंगे हमें ड्रॉ निकाल देंगे, उसकी घोषणा हम 28 तारीख के बाद जैसे ही 400 आईडी कंप्लीट होती है वो कर देंगे। ये तो पहली गाड़ी थी, पहली गाड़ी एक शुरुआत थी। हांगकांग जाने से पहले हमने एक डिसीजन लिया सबसे मिलके और गाड़ी निकालना। अब इसके बाद और गाड़ियां भी निकलनी है, क्योंकि ये तो पहली गाड़ी है। इसके बाद एक सेट बजट इसमें से निकाला गया है, जो हमें 20% टूर एंड ट्रेवल के लिए रहता है उसमें से एक सेट बजट निकाला गया है, ताकि हर महीने हम गाड़ी निकाल पाए। अब अगली इसके बाद जो गाड़ी निकलेगी उसका क्राइटेरिया जो है वो दो तरह का रहेगा, उसको आप ध्यान से सुनिए। एक तो गाड़ी इसी तरह से निकलेगी जो $500 का डायरेक्ट बिजनेस करेंगे, उनका इसी तरह से 8 लाख रुपए की गाड़ी उनको आगे भी, साथ में उन लोगों के लिए एक और ड्रॉ हम निकाल रहे हैं जो लोग $15,000 की मैचिंग करेंगे। अभी 2 महीने का क्राइटेरिया है, इस महीने और अगले महीने, जो लोग भी $15,000 की मैचिंग करते हैं उन लोगों का, चाहे वो 10 लोग हों, चाहे वो 5 लोग हों, चाहे वो 20 लोग हों, उन लोगों का अलग से ड्रॉ निकलेगा और उनमें 15 लाख रुपए की एक गाड़ी निकाली जाएगी। जिसकी भी गाड़ी निकलेगी उनको हैंड टू हैंड गाड़ी मिलेगी तुरंत, लेकिन ड्रॉ में सिर्फ उनका नाम आएगा जो लोग $15,000 की मैचिंग करेंगे। अगला क्राइटेरिया क्या है, 2000 आईडी के बाद गाड़ी निकलेगी, 2000 आईडी यानी $500 की, जैसे ही कंप्लीट होती है तो दो गाड़ियां निकलेंगी। पहली गाड़ी तो जिन लोगों ने भी $500 का डायरेक्ट बिजनेस किया उन सबका कूपन डलेगा, उनमें से जिसकी भी निकलेगी लगभग 8 लाख रुपए वर्थ के उनको गाड़ी मिलेगी, और साथ में $15,000 की जो लोग मैचिंग करते हैं उनका अलग से ड्रॉ निकलेगा। 10 लोग हों, 12 लोग हों, 15 लोग हों, 20 लोग हों, जितने भी हैं उन लोगों का ड्रॉ डलेगा, उनमें से जिसकी भी गाड़ी निकलेगी उनको लगभग 15 लाख वर्थ की गाड़ी मिलेगी। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जो लोग वर्किंग कर रहे हैं $500 में, तो हो सकता है जिसने सिर्फ $500 का ही बिजनेस किया हो उनको गाड़ी मिल जाएगी, और अच्छी बात है, उनका लक है, जिसका भी लक है, जिसकी भी किस्मत है, भगवान ने जिसको देनी है वो देंगे, हम नहीं रोक सकते। बट उन लोगों, वो लोग ज्यादा डिजर्व करते हैं जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, यानी कम्युनिटी क्रिएटर बन चुके हैं जो लोग $15,000 की मैचिंग करते हैं। डेफिनेटली वो लोग मेहनत करते हैं, $15,000 की मैचिंग करना आसान काम नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये माने कि कोई भी आगे कर लेगा तो आसान भी नहीं है। $15,000 की मैचिंग करने के लिए फील्ड में उतरना पड़ता है, पॉजिटिव रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, लोगों की नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है, उसके बाद जाके $15,000 की मैचिंग होती है। और रेगुलर जिनकी मैचिंग हो रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर मैचिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो रेगुलर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी होता है। तो जो वो लोग ज्यादा डिजर्व करते हैं उनके पास नई गाड़ी होनी चाहिए, और हमारा ये मकसद है कि जितने भी लोग $15,000 की मैचिंग कर रहे हैं आज के समय में, 10 लोग हैं, 15-20 ऐसे लोग हैं जो रेगुलर कर रहे हैं, उनके पास 31 मार्च से पहले पहले 15 लाख की गाड़ी हर इंसान के पास पहुंच जानी चाहिए। तो उसका क्राइटेरिया ये रहेगा, $15,000 की मैचिंग वालों का ड्रॉ डलेगा, 15 लाख की गाड़ी उनको मिलेगी। जिनकी भी गाड़ी ड्रॉ में निकल गई, फिर अगले 6 महीने उनका नाम उस ड्रॉ में नहीं आएगा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि एक ही आदमी की 2 बार निकले या 3 बार गाड़ी निकले, क्योंकि जो लोग भी $15,000 की मैचिंग कर रहे हैं सब लोग डिजर्व करते हैं। हमारा मकसद है सब लोगों को, जो भी $15,000 की मैचिंग कर रहे हैं इस समय, रेगुलर कर रहे हैं, उनको एक एक गाड़ी मिल जाए 31 मार्च से पहले, जब हमारा ये फेस क्लोज होना है। 31 मार्च तक हमारा मकसद है इस फेस को क्लोज करना, और फेस क्लोज होते होते इतना बिजनेस हमारा आना है कि लगभग 25 से 30 गाड़ियां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, और ये गाड़ियां उनको डेफिनेटली जानी चाहिए जो लोग $15,000 की मैचिंग करते हैं या उससे ज्यादा की मैचिंग कर रहे हैं। तो ये अपडेट थी, इसको आप ध्यान रखिए, बहुत एक्साइटिंग न्यूज है। जितने भी लोग आपको $15,000 की मैचिंग करने वाले दिखाई दे रहे हैं सबके पास 31 मार्च से पहले पहले आपको गाड़ी मिलने वाली है ब्रांड न्यू।
और लीगल मिलेगी सबको टैक्स पे करके, और लीगल तरीके से उनको गाड़ी मिलेगी और गाड़ी को वो डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। और जो $15,000 की मैचिंग करते हैं उनको जब गाड़ी मिलती है तो डेफिनेटली वो गाड़ी पूरी उनके एरिया में डिस्ट्रिक्ट में घूमेगी, क्योंकि काम कर रहे हैं वो फील्ड में ही रहते हैं तो घूमेगी, तो डेफिनेटली बिजनेस बढ़ेगा। ट्रस्ट बिटकॉइन का बिजनेस बढ़ेगा तो क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग होगी तो जिन लोगों ने $1 में खरीदा है आज $10 में खरीद रहे हैं उनका पैसा 6 गुना होना है, 60 गुना होना है, तो सबको फायदा है इस चीज का, किसी एक इंसान को फायदा नहीं है। तो ये हमारी अपडेट्स थी गाड़ी को लेके। 400 आईडी कंप्लीट होने वाली है, फर्स्ट ड्रॉ हमारा जो निकलना है वो 8 लाख की गाड़ी हमने देनी है जिसकी भी निकलेगी, उसके बाद 2000 आईडी के बाद निकलेगा, जिनकी भी निकलेगी उनको 8 लाख की गाड़ी मिलेगी। और जो $15,000 की मैचिंग वाले लोग होंगे उस समय तक 2000 आईडी कंप्लीट होने तक जितने भी लोगों ने किया होगा इस महीने से वो काउंट होगा। जो भी लोग $15,000 की मैचिंग करेंगे उनका ड्रॉ उसके अंदर डलेगा, जो 2 महीने करेंगे उनके 2 कूपन डलेंगे, जो 1 महीना करेगा 1 कूपन डलेगा, जो 3 आईडी पे करेगा उनके 3 कूपन डलेंगे। तो जितनी ज्यादा आईडी पे करेंगे उतने आपके कूपन डलेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी कि पहले आपकी निकले। और जिनकी भी गाड़ी निकल जाएगी $15,000 की मैचिंग करने वालों पे, तो उनकी फिर अगले कम से कम 6 महीने 7 महीने उनका कूपन नहीं डलेगा। $15,000 की मैचिंग तो वो करेंगे ही, $500 की डायरेक्ट करते हैं तो उसमें डलता रहेगा, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जितने भी लोग $15,000 की मैचिंग कर रहे हैं उन सबको गाड़ी चली जाए, किसी को पहले जाएगी किसी को बाद में जाएगी। तो ये तो तय है कि जो लोग भी $15,000 की मैचिंग कर रहे हैं उनको गाड़ी तो जाने वाली है 31 मार्च से पहले, किसी को इस महीने जाएगी किसी को अगले महीने, किसी को मार्च में किसी को फरवरी में किसी को जनवरी में, लगभग 25 से 30 गाड़ियां ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। और ये उसके बाद भी अगले फेज में भी थर्ड फेज में भी ये चलता ही रहेगा, ये अब सिस्टम जारी रहेगा। अभी 15 लाख किया तो आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, आज जो लोग $15,000 की मैचिंग कर रहे हैं तो 1,25,000 पे पहुंचेंगे, तब तक 5 लाख पे पहुंचेंगे, उनका लेवल बड़ा होगा तो फिर उनके लिए BMW मर्सिडीज के बारे में सोचेंगे। आज 15 लाख की गाड़ी उनको मिलने जा रही है, आने वाले समय में ये गाड़ियां बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे हेलीकॉप्टर तक भी पहुंचेंगे जहां भगवान लेके जाएंगे। हमारा काम कर्म करना है वो हम करते जा रहे हैं ईमानदारी से और आगे पहुंचते जाएंगे। तो ये गाड़ियों को लेके अपडेट थी। और जो 400 आईडी हमारी कंप्लीट होने को है, 250 हो चुकी है, 150 और पेंडिंग है, $500 की है, मेरे ख्याल 28 तारीख तक इस क्लोजिंग से पहले पहले कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद सब लीडर से मिलके हम इसको ड्रॉ को निकाल लेंगे किसी भी पब्लिक प्लेस में, ताकि किसी को यह ना लगे कि हमने कोई उसके अंदर चीटिंग की। चीटिंग वैसे हम करते नहीं है, ट्रस्ट बिटकॉइन में कोई चीटिंग नाम की चीज होती नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के भी मन में डाउट ना रहे तो पब्लिक प्लेस में जहां 20-30-50 लोग इकट्ठे होंगे कम्युनिटी के, उनके बीच में हम ये गाड़ी निकाल देंगे और इसका लाइव टेलीकास्ट भी कर देंगे, ताकि सब लोगों को दिख जाए कि कैसे गाड़ी निकाली गई, और जिनकी भी गाड़ी निकलेगी उनको वो गाड़ी मिल जाएगी। सेकंड टॉपिक हमारा आज का है जो डिस्कशन का पार्ट है, ये डिस्कशन करने के बाद हमारे सिस्टम के बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे। सेकंड जो हमारा डिस्कस करने का पार्ट है वो था LDP को लेके। LDP हमने करनी है, ट्रेनिंग सेशन हमने करने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अभी जब इस LDP को हमने लॉन्च किया मुंबई टूर को, और साथ में हमारा सिंगापुर का टूर चल रहा है, तो फील्ड में जब हम काम कर रहे हैं, मैं भी प्लान दिखाता हूं फील्ड में, आप लोग भी दिखाते हैं, तो प्लान दिखाने में थोड़ी सी समस्या आ रही है, क्योंकि मुझे तो आती है, आप लोगों को आती है नहीं आती। जब प्लान दिखा के टूर के बारे में डिस्कशन करते हैं तो ये समझ में नहीं आता मुंबई का टूर बताएं या सिंगापुर का टूर बताएं, तो ये कंफ्यूजन मुझे लगी। तो मुझे लगा, बहुत सारे लीडर से भी मैंने डिस्कशन की, तो उससे मुझे ये लगा कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए कि मुंबई को अभी पोस्टपोन करना चाहिए, पहले सिंगापुर को कंप्लीट करना चाहिए। सिंगापुर कंप्लीट होने के बाद मुंबई की जगह हम गोवा LDP करेंगे, और सिर्फ गोवा की ही उस समय रहेगी, इंटरनेशनल टूर उस समय नहीं रहेगा। यानी एक इंटरनेशनल टूर करेंगे, एक डोमेस्टिक टूर करेंगे, एक इंटरनेशनल करेंगे, एक डोमेस्टिक करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ताकि डायरेक्ट बिजनेस जो करना है लोग कंफ्यूज ना रहे, उसमें किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे कि हमें मुंबई करना है या सिंगापुर करना है। तो अभी सिंगापुर क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है, 30-40 लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, और लगभग 200 लोग मुझे उम्मीद है 200 से 300 लोग अचीव करेंगे, तो उसका 30 सितंबर लास्ट डेट है। 30 सितंबर के बाद एक दिन भी डेट नहीं बढ़ेगी फिलहाल इस समय के स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो लोग डायरेक्ट बिजनेस कर रहे हैं। यानी $7,500 जो आपको डायरेक्ट करना है वो 30 सितंबर से पहले पहले कंप्लीट करना है। 30 सितंबर को सबका लैप्स हो जाएगा, अगर किसी ने 4,000 किया है 3,000 किया तो काउंट नहीं होगा, वो लैप्स हो जाएगा। और जो लोग मुंबई LDP अचीव कर चुके हैं, 5-6 लोग मेरे ख्याल से 7-8 लोग कर चुके हैं, तो उनको अगर वो चाहें तो $4,500 और करके सिंगापुर अचीव कर सकते हैं 30 सितंबर तक। अगर वो चाहते हैं कि हमें नहीं करना सिंगापुर अचीव, तो $3,000 उनका हो चुका है, और नेक्स्ट जो भी LDP होगी हमारी गोवा में जब भी होगी, जो भी डेट हम डिसाइड करेंगे उसमें वो एलिजिबल रहेंगे, वो जा सकते हैं। तो ये अपडेट्स थी, और इसके बारे में अगर किसी को कोई सजेशन देनी हो, जो भी लीडर्स हैं, जो लोग भी $15,000 की मैचिंग पे हैं, जो कम्युनिटी क्रिएटर है हमारे, उनसे अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारा ऐसा सोचना है कि ऐसा हमें करना चाहिए, और सब लोगों से आज फिर से डिस्कशन करेंगे और फाइनल होता है, तो लगभग फाइनल ही है, ऐसा हमें करना चाहिए। तो ये गाड़ियों के बारे में था और सिंगापुर के बारे में। तो सिंगापुर की लास्ट डेट 30 सितंबर है,
कोई $1,000 अपना कंप्लीट कर चुके हैं, कोई 2,000 कर चुके हैं, कोई 4,000 कर चुके हैं, तो $7,500 डायरेक्ट बिजनेस करना है। उसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है, उससे 30 सितंबर नहीं है सॉरी 28 या 29 ही होगी, जो भी हमारा सितंबर का क्लोजिंग डेट होगी वो वेबसाइट पे आपको दिखाई दे ही जाता है। जो भी क्लोजिंग डेट होगी उस दिन रात को 12 बजे तक हमें क्लोज करना है, $7,500 कंप्लीट करना है। उस समय तक जिसके $7,500 कंप्लीट हो जाएंगे वो एलिजिबल होंगे सिंगापुर जाने के लिए, जिनके रह जाएंगे वो बिल्कुल पूरी तरह से लैप्स हो जाएंगे। और जो लोग भी अचीव करेंगे जिस आईडी पे, सिर्फ वही लोग इस बार जा पाएंगे, उनके अलावा कोई और नहीं जा पाएगा, क्योंकि लीगल तरीके से पूरे टैक्स वैक्स भर के इस बार सिंगापुर का टूर होने वाला है, लीगल तरीके से होने वाला है। तो जिनकी आईडी जिनके नाम पे होगी वही लोग जाने वाले हैं, किसी और के नाम पे या किसी और के नाम पे आप करके सोचेंगे किसी और को भेज देंगे, तो ऐसा इस बार नहीं होने वाला। तो जो लोग भी अचीव कर रहे हैं वही जाएंगे, या उनका ब्लड रिलेशन में कोई जा सकता है, फैमिली में किसी कोई खुद नहीं जा रही, वाइफ जा रही है या पेरेंट्स को भेजना चाहे तो वो जा सकते हैं, लेकिन किसी भी थर्ड पर्सन को आप नहीं भेज पाएंगे। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखें। और ये सारी चीजें मैं कल एक वीडियो बना के पोस्ट भी कर दूंगा हमारे YouTube चैनल पे भी और ग्रुप में भी डाल दूंगा, ताकि किसी को किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये सारी चीजें आज डिस्कशन करनी थी। सिस्टम के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से काम करें, किस तरह से हम बड़ा काम कर सकते हैं और कैसे आगे हम बढ़ने वाले हैं, बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ लीडर से बात कर लेते हैं जो लोग अवेलेबल हैं, जो भी हमारी अपडेट्स हैं इसके बारे में उनको उनका क्या कहना है या उनकी क्या सजेशन है, हम ले लेते हैं आधे घंटे के लिए डिस्कशन कर लेते हैं सब लोगों से। मैं देख लेता हूँ जो लोग भी अवेलेबल।